Hello all and welcome to Recognition IAS. Today is 25th May and let us start the discussion of current affairs. फटाफट देखते हैं हम लोग क्या कुछ हमारे आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो अगर देखा जाए आज कौन कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, तो देखिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। समथिंग इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, साथ में मनरेगा से रिलेटेड था, फार्म एंड फार्मर से रिलेटेड था, साथ में वर्कसाइट से मनरेगा को, ये दोनों के दोनों आर्टिकल एक जैसे ही हैं। और लास्ट में एक और आर्टिकल है पोस्ट कोविड ग्लोबल अलाइनमेंट को लेकर के। सारा ही आर्टिकल हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आर्टिकल हमारी है द नीड फॉर ए मिलियन वर्कसाइट्स नाउ। तो यहां पर बातें होने वाली है कि वर्कर जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों का जो पलायन हो रहा है मुंबई पुणे और बाकी इन तरीके यहाँ के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ से जो वापस से ये अपने बैकवर्ड स्टेट्स में आ रहे हैं उन पर क्या कुछ गुजर रही है और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट बेसिकली है माइग्रेंट वर्कर को लेकर के। यहाँ पर एक सर्वे निकला हुआ है हमारे न्यूज़पेपर, उसमें अजिंक्य प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सर्वे है जहां पर ये बोला गया है कि 74% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो भी मजदूर वर्ग है वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही कम खाने को, मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो खाना खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही कम न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ द हाउस होल्ड इसमें ऐसे लोग हो जाते हैं जो बेसिकली फूड की स्केयरसिटी को झेल रहे हैं। इसके अलावा एक और सर्वे किया गया है फरजाना अफरीदी के द्वारा जो कि लो इनकम नेबर्स ऑफ दिल्ली एरिया में किया गया है, और यहाँ पे ऐसा पाया गया है कि 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैड अर्नड इनकम वेरी लो, मतलब जो भी पहले लॉकडाउन के पहले जो भी ये इनकम अर्न कर रहे होते थे उससे बहुत कम अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट 90% ने तो ये रिपोर्ट किया है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ चुके हैं और ये इतनी ज्यादा स्ट्रेस है कि रात में सोना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी पोजिशन हो चुकी है इन माइग्रेंट वर्कर के लिए कि किस तरह की पोजिशन को वो झेल रहे हैं। इस तरीके को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छी स्कीम निकाल के रखी हुई थी जो कि पीडीएस स्कीम के नाम से जानी जाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया क्या गया है, इसमें अगेन जो सर्वे है अजिंक्य प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें कहा गया है कि 86% ऐसे लोग हैं जो कि फूड राशन ले रहे हैं फेयर शॉप से, लेकिन ये फूड राशन में सीधी सी बात है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट ही मिल पा रहा है, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अब वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम भी लागू कर दी है, जिसके कारण से अब जो भी लोगों को मजदूर वर्ग है या जो भी बीपीएल वर्ग है जिनको भी फूड की शॉर्टेज है दे कैन गो टू फेयर शॉप, वो फेयर शॉप में जा सकते हैं और वहां से अपनी जरूरत की चीजों को ले सकते हैं, खाने पीने की चीजों को ले सकते हैं। जहां पर गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर किया है कि अगर गेहूं चावल मिल रहा है साथ में उनको चना भी दिया जाए, पल्सेस भी दिया जाए, जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है वो फुलफिल हो रही हो। लेकिन ये न्यूट्रिशन फुलफिल करने की जो टेक्निक है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है क्योंकि सबको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि राशन कार्ड अपडेट नहीं होता है कई बार, और साथ में उस राशन कार्ड पे जो नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उनके भी नाम पूरी तरीके से नहीं लिखे होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। द डबलिंग ऑफ फूड राशन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ वॉज ए गुड मूव जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। देयर इज एवरी रीजन टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड द एंड ऑफ जून। अब जैसे अभी तक फिलहाल जो किया गया है वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए किया गया है, लेकिन राइटर मारे बोलते हैं कि देखिए हमें इसे 3 महीने के भी बियॉन्ड, मतलब जून के भी बियॉन्ड हमें इसको लेकर के जाना होगा। सिचुएशन आप देख ही रहे हैं और यही इसका रीजन भी है। द पीडीएस हाउएवर लीव आउट 500 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग मेनी हु लिव इन पॉवर्टी। लेकिन अगर इन लोगों को भी छोड़ देते हैं जिनके राशन कार्ड अपडेट नहीं है या जिनके राशन कार्ड में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो भी देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड दैट इज द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। विदाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, और इसीलिए इनफैक्ट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इस ह्यूज प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का एक गोल दिया गया है। अब नाउ द क्वेश्चन आता है कि आखिर में इस पीडीएस को अगर ना करें तो फिर और क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग कैश दे दें इनको, कैश बेनिफिट दे दें सबको, सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो फंडा हुआ करता था क्या वो उठा करके दे दें जिससे कि ये लोग अपना जो भी सामान खरीदना वो सामान जाके खरीद लें। तो यहां पर अगेन क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर हम कैश ट्रांसफर कर भी देते हैं तो व्हाट विल बी द पैरामीटर
व्हाट विल बी द फॉर्मूला, किस फॉर्मूला के बेसिस पे और किसको किसको हम देंगे। तो यहां पर ये जो यूबीआई का फंडा होता है वो फेल कर जाता है, इसको हम लोग नहीं ले आ सकते हैं। दूसरी स्कीम आ सकती है जो नरेगा स्कीम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, जहां पर काम के बदले दाम की बेसिकली एक इंश्योरिटी की जा रही होती है। दिस इज एन ऑब्वियस अल्टरनेटिव एटलीस्ट फॉर रूरल एरियाज एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड एट बेसिक वेज। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए दिस नीड टू बी एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। जैसे कि रूरल एरिया में होती है वैसे ही इसको अर्बन एरिया में भी अब इसको इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग अपने मनरेगा स्कीम से काफी कुछ सीख चुके हैं और इस स्कीम के जो भी हमें एक्सपीरियंसेस आए हैं उसको हम लोग अर्बन एरिया में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मनरेगा में। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इनका जो वेज है वो काफी कम है और पेमेंट भी जल्दी नहीं आती है, बहुत ही एरेटिक पेमेंट सिस्टम है। अगर इसके वेजेस को बात करें तो अभी आत्मनिर्भर स्कीम में आपने देखा होगा कि 187 रुपीज से बढ़ा करके 202 रुपए किया गया है। यहां पर कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो आपको जानने की बहुत जरूरत है कि ये 187 रुपीज क्यों इतना कम, कैसे आखिर में डिसाइड किया जाता है। तो ये देखिए डिसाइड किया जाता है सीपीआई लेबर एएल के द्वारा, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर के द्वारा, और इसका जो बेस ईयर है वो अभी 1987-88 का ही चल रहा है, इनफैक्ट 1986-87 का ही चल रहा है। और इतना पुराना होने के कारण से ही गवर्नमेंट बोल रही है नाउ इट हैज टू रिवाइज, लेकिन रिवीजन करना है तो करेंगे जब करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि हमें इसको 2017-18 लेकर के आना होगा, किया नहीं गया है, करना होगा, लेकिन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक इसकी पेमेंट फिलहाल बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई है, तो पेमेंट काफी कम है। दूसरी, पेमेंट आर स्टिल फार फ्रॉम टाइमली एंड रिलायबल, तो पेमेंट अभी भी क्या है कि बहुत ज्यादा लेट पेमेंट होती है और साथ में रिलायबल नहीं होती है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रॉब्लम है, इनफैक्ट झारखंड के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की स्कीम के बारे में गांव वालों को पता ही नहीं है, इनफैक्ट जिसको पता भी है वो भी अवेल नहीं कर पाता है, क्योंकि यहां पर ई मस्टर रॉल ये स्कीम चलती है। अब ये ई मस्टर रॉल क्या होती है? ई मस्टर रॉल का मतलब होता है कि जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं, जो भी मनरेगा की वर्क प्लेसेस हैं, वहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ये रजिस्ट्रेशन जो करना पड़ता है वो ई मास्टर रोल में करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना होता है, यानी कि ये फॉर्म जो है वो डिजिटल फॉर्म होता है। अब सीधी सी बात है, गांव का आदमी है और इस तरीके का अनस्किल्ड वर्क करने जा रहा है तो वो डिजिटली इंपावर्ड नहीं होता है। इस डिजिटल इंपावरमेंट के लिए वहां का जो भी लोकल पंचायत का ग्राम पंचायत ग्राम जो भी ग्राम सभा का मेंबर होगा या फिर जो मिडिल मैन होगा या जो भी होंगे, वो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ पैसा ले रहे होते हैं और उस पैसा लेने के बाद तब जाकर के इनका फॉर्म भर रहे होते हैं। तो अगेन इस पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम के रूप में है, क्योंकि एक तो वर्कर खुद ही पैसा नहीं पा रहा उसके बावजूद भी उनसे एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन ली जा रही है। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। अब यहां पर हमारे राइटर कहते हैं कि दिस सिचुएशन कॉल फॉर लार्ज स्केल ओपनिंग ऑफ नरेगा वर्क। अभी की जो कंडीशन है उसके लिए हमें फिलहाल में नरेगा की जितने भी वर्क है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत के दौरान में 40% से ज्यादा वर्क देने की बात कही गई है, मतलब जितना पहले दिया जाता था उससे 40% और वर्क दिया जा रहा होगा, यानी नियरली 140 टाइम्स अब वर्क दिया जा रहा होगा, क्योंकि अब जो मजदूर पहले मुंबई पुणे बैंगलोर और बाहर के इलाके में रहते थे वो भी वापस आ गए और वापस आने के कारण से उनको भी अब वर्क चाहिए होगा। तो इसके लिए सरकार ने भी अब अच्छा खासा एक कह लीजिए कि पैकेज भी दे दिया, 1,00,000 करोड़ का पैकेज भी दे दिया है, जिससे कि जो भी मनरेगा की स्कीम है वो लगातार चलती रहे, लोगों को पैसा मिलता रहे और इकोनॉमी चलती रहे। एवरी विलेज नीड एटलीस्ट 1 मेजर वर्क साइट, कम से कम हर एक गांव में एक मेजर एक बड़ा वर्क साइट होना चाहिए जहां पर ये लोग जाकर के अपना काम कर सके, जहां पर अच्छे खासे मजदूर शॉर्ट नोटिस पे भी बुलाए जा सके, उनको बुला करके उनको काम दिया जा सके। आइडियली वर्कर्स शुड बी अलाउड टू एनरोल एट वर्क साइट। अभी फिलहाल के लिए ये जो ई मस्टर रोल की प्रोसेस की गई है इसको हटा करके वर्क साइट पे जो भी लोग आए तुरंत रजिस्ट्रेशन करके तुरंत उनको काम दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन आज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रखी है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग इस तरीके की ई मस्टर रोल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें
तुरंत के तुरंत इमरजेंसी वर्क देना होगा, इमरजेंसी उनको वेज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द मॉनसून, हमें यह लगातार मॉनसून सीजन तक करना होगा क्योंकि इस समय खेतों में कोई काम नहीं होता है, लोग आइडल पड़े रहते हैं, और अगर आइडल पड़े रहेंगे तो सीधी सी बात है ना देश का डेवलपमेंट होगा ना तो फैमिली का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनके पास इस समय कैश के नाम पे कुछ भी नहीं है और इस समय कैश ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके अलावा हमारे राइटर कहते हैं कि देखिए ई मस्टर रोल अगर करते भी हैं तो इसको फिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राम स्वरोजगार सेवक हमें हायर करने होंगे। हायर करने पे जितने भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं फटाफट इन लोगों के द्वारा भरवा दिया जाएगा। हमारे राइटर का और भी कहना है, हमारे राइटर का और भी कहना है कि मोबिलाइजिंग पैरा टीचर फॉर वर्क एप्लीकेशन ड्राइवर, तो जितने भी हमारे पैरा टीचर हैं, चूंकि स्कूल इस समय बंद है, कोई भी एजुकेशनल वर्क चल नहीं रही है, तो जितने भी पैरा टीचर्स हैं उनको वर्क प्लेस पर ही लेकर के आना चाहिए, असाइन करना चाहिए और उनसे मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। साथ में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है या कह सकते एक तरीके से सुपरविजन का काम इनको दे दिया जाना चाहिए और ये लगातार सुपरविजन करते रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आखिर में ये जो मनरेगा की जो भी हम लोग पेमेंट दे रहे होते हैं, वेज दे रहे होते हैं, जो कि डीबीटी फॉर्मेट में होता है, क्या उसे डीबीटी में ही रहने देना चाहिए या उसको कैश में तब्दील कर देना चाहिए? तो यहां पर राइटर कहते हैं कि फिलहाल के लिए इसे कैश में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब इससे क्या क्या फायदे हैं? इससे फायदा यह है कि नंबर वन, बैंकों में इनको नहीं जाना पड़ेगा और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, राइटर हमारे कहते हैं कि इसमें लीकेज आ सकती है कैश वगैरह में, तो देखिए लीकेज का क्या चीज है कि फजिंग तो आप ऑन पेपर भी कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, हमें दोनों तरीके से फजिंग देखने को मिली है। तो अब हम लोग आज की डेट में फजिंग का नाम देके, करप्शन का नाम देके हम लोगों से लिक्विडिटी छीन नहीं सकते हैं, हमें उनको कंडीशन, इस कंडीशन में उनको फटाफट कैश फॉर्मेट में ही पैसा दिया जाना ही उचित होगा, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी और उन लोगों को अच्छा खासा वेज भी मिलता रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर भारत के दौरान में भी 1,00,000 करोड़ का पैकेज दिया हुआ है, लेकिन ये पैकेज देखिए कम पड़ सकता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये लॉकडाउन पोजीशन किस तरीके से और कितनी रहने वाली है अभी भी ये कंफर्म नहीं है, तो गवर्नमेंट को पहले एक पूरा का पूरा एक पैकेज बना करके पहले से रखना होगा, कंसोलिडेटेड फंड से इतना बना के रखना होगा कि इनके लिए जो भी बजटरी प्रोविजन है वो कभी भी कम ना पड़े। इनकेस अगर कम पड़ता भी है तो इनको मनी सप्लाई कहीं ना कहीं से मिलती रहे, बजट में सप्लीमेंट करते रहे ताकि नेक्स्ट बजट में उसको सप्लीमेंट करके इसको निकाल दिया जा सके। तो ये थी पूरी की पूरी स्कीम जो हमारी इस आर्टिकल में बात किया गया हमारे राइटर के द्वारा, राइटर जिन ट्रीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली जो इकोनॉमिस्ट जो नोबेल प्राइज पाए हुए इकोनॉमिक्स में उनके स्टूडेंट भी थे, तो काफी अच्छा आर्टिकल था और इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो फॉर्म्स एंड फार्मर को लेकर के है, यहां पर जो कोटेशन दी गई है, द कोटेशन इज क्रिएशन ऑफ ए बायंट एग्रीकल्चर सेक्टर विल टेक मच मोर एंड दोज एफर्ट मस्ट बी मेड ऑन वॉर फुटिंग। क्या चीज है इसका मतलब कैसे है, फटाफट देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं, कंटेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। यहां पर एक्चुअली आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखिए देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स बट स्टिल जो फार्मर्स हैं उनको इस समय कैश बेनिफिट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस कैश बेनिफिट के दौरान में बहुत सारी गवर्नमेंट ने अपना अपना पैसा कैश फॉर्मेट में दिया है, जैसे हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इस स्कीम के बारे में बात करें तो इस स्कीम में एम किया गया, ऑब्जेक्टिव है टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द स्टेट 18 लाख राइस चावल हो गया, मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, इसको 10,000 से 13,000 पर हेक्टेयर पैसा दे दे करके उनको डीबीटी के थ्रू पैसा दिया जा रहा है, 10,000 से 13,000 पर हेक्टेयर, पर एकड़ सॉरी, लेकिन ये उन्हीं को दिया जाएगा जिनका जो खेत है, जिनकी जो फील्ड है 5 एकड़ से कम है, उनको जो पुअर हैं एक्चुअल में, दोज हु आर बेनिफिशियरीज एंड दोज हु नीड दिस काइंड ऑफ कैश बेनिफिट दे विल बी बेनिफिटेड ओनली। लेकिन यहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं, इश्यूज ये हैं, सबसे पहले नंबर वन, इंडिया हैज अ एक्सटेंसिव एमएसपी रिजीम विच वर्क इन कॉम्बिनेशन विद द पीडीएस, तो जितने भी हमारे फार्मर होते हैं उनको एमएसपी पे उनके क्रॉप को प्रोक्योर कर लिया जाता है सरकार के द्वारा और इनको पीडीएस की सहायता से इनको सहायता भी दी जा रही होती है खाने पीने की। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो एमएसपी होता है वो निर्धारित तो कर दिया जाता है
डिसाइड तो कर दिया जाता है लेकिन इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, जिसके कारण से कई बार किसानों को एमएसपी के ऊपर या एमएसपी पर भी फॉर्म की एक्वायरमेंट नहीं की जा पाती है, जिससे कि इनको जो प्रॉपर फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। बट द इफिशियंसी ऑफ नीदर एमएसपी प्रोक्योरमेंट नॉट द पीडीएस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। हर जगह अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग चीजें हैं। द सेंटर सेज इट फिक्सेज एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर, बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी। सेंटर कहती है कि हम 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, डेढ़ गुना एमएसपी दे रहे हैं, बट अगेन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पब्लिक में नहीं किया गया है। इसमें नंबर ऑफ तरीके होते हैं, जैसे सीपीआई जो हमारी एमएसपी होती है वो तीन तरीके से कैलकुलेट करती है। एक होती है जो केवल और केवल जहां पर फार्म की प्रोड्यूस होती है, जो फार्म में खर्चा आया है उसको लेकर के की जाती है, दूसरी फैमिली लेबर को भी लेके की जाती है, और तीसरी होती है जहां पर इन्वायरमेंटल डैमेज और जो भी इनपुट कॉस्ट आई और फैमिली लेबर आई है तीनों को लेकर के किया जाता है। आइडियली गवर्नमेंट को जो पैसा दिया जाना चाहिए एमएसपी के फॉर्मेट में वो तीनों को कैलकुलेशन को लेकर दिया जाना चाहिए, मतलब कि जो फार्म इनपुट आया है, फैमिली लेबर आया है और साथ में जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी आई है। लेकिन सरकार देती कौन सी है? सरकार देती है केवल और केवल इनकम कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, इनको लेकर के केवल और केवल एमएसपी कैलकुलेशन होता है। तो इस वजह से ये जो एमएसपी कैलकुलेशन 1.5 टाइम से कुछ खास निकल के नहीं आता और फार्मर को जो इनका प्रॉपर रिम्यूनरेशन होना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इश्यू है, दीज इनकम सपोर्ट स्कीम टारगेट लैंड ओनर एंड बाईपास टेनेंट एंड लेबरर्स। जितने भी हमारे खेत हैं, जितने भी हमारे फील्ड है, वो मैक्सिमम लैंड ओनर्स वो खुद काम नहीं करते हैं, वो टेनेंट और लेबर को रख करके फिर वहां पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जितनी भी बेनिफिट्स होती है, चाहे वो फसल बीमा की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम होती है, इरिगेशन बेनिफिट हो, सॉइल बेनिफिट हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा बेनिफिट दिया जा रहा होता है जो लैंड का ओनर होता है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं और इन इश्यूज को आप जरा टैकल करने के लिए देख लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ किया गया है। तो यहां पर कुछ स्कीम्स ली गई हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को कोशिश कर रहे हैं खत्म करने के लिए, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये जो जितने भी हम लोगों ने स्कीम्स ली हैं, क्या ये सफिशियंट है? तो यहां पर राइटर का कहना है कि देखिए, इंटरवेंशंस आर ओनली पैलिएटिव एंड डज नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। पैलिएटिव का मतलब यहां पर ये हो जाता है कि ये केवल और केवल प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को टाल रहा है, ये इसको एड्रेस नहीं कर रहा है। तो एड्रेस करने के लिए हमें कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। इसके अलावा मार्केट ड्रिवन अप्रोच भी हमें रखना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें हमारे अर्लियर टाइम में, हिस्ट्री में अगर चले जाएंगे तो वहां पर हमें जितनी भी फार्म प्रोड्यूसेस हुआ करती थी वो इतनी ज्यादा सस्टेनिंग और जितनी ज्यादा मुनरेटिव होती थी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी केवल और केवल फार्म पे चल रही होती थी। वेदर अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन या मौर्यन कल्चर या गुप्ता एज, कुछ भी आप देखेंगे तो वहां पर बेसिकली फार्म प्रोड्यूस से ही पूरा का पूरा इकोनॉमी रन कर रहा होता था। लेकिन आज की डेट में इकोनॉमी ये वाली जो फार्म प्रोड्यूस है ये सबसे ज्यादा पुअर स्टेज में है। तो वी नीड टू मेक सम मार्केट ड्रिवन अप्रोच हियर सो दैट कि ये सेक्टर पूरी की पूरी अच्छे से बेनिफिट कर जाए, अच्छे से ये सस्टेनेबल बन जाए। इसके अलावा फिलहाल में यूएस को माना जाता था कि काफी अच्छा ये एक फूड सप्लाई और एग्रीकल्चरल बेनिफिट रीजियन है, लेकिन यहां पर पोस्ट कोविड के बाद, इनफैक्ट कोविड के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम निकल करके आई, यहां पर भी इसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो सामने आ गई और वहां पर भी हमें कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां की भी जो मशीनरी है वो फेल देखने को मिल रही है। यानी कि हमें कुछ ऐसे काम अभी करने की जरूरत है जो इस पूरे प्रॉब्लम को टैकल कर सके, देख सके। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तो किया क्या जा सकता है? तो देखिए, नंबर ऑफ थिंग्स यहां पर किए जा सकते हैं, जैसे जो भी लैंड रिकॉर्ड है उसको सही करना पड़ेगा, हमें उसको डिजिटल फॉर्मेट में करना पड़ेगा, लगातार उसकी मॉनिटरिंग और अपडेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी अनसाइंटिफिक और अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है उसको साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। मार्केट को लिंक करना पड़ेगा, मिडिलमैन और जो ऑफिशियल्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं फार्मर को, उनको पहले हटाना होगा, उनके ऊपर में एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी इनएडिक्वेट इरिगेशन हो रखा है उसको हमें अभी पूरा करना पड़ेगा। वी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट इरिगेशन टू द फील्ड्स। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के साथ में जो भी कंफ्लिक्ट हुआ है उसको दूर करना पड़ेगा। जो भी हमारी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। प्रेजेंट केस में अगर बात करें, सेंटर मस्ट अनाउंस द एमएसपी फॉर द करंट सीजन एट द अर्लीएस्ट
लेट अनाउंसमेंट हैव एडेड टू द अर्थ अनसर्टेनिटी इन द फार्मर इन द रिसेंट टाइम। तो हमें क्या एमएसपी ज्यादा जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को अभी फटाफट निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी अनसर्टेनिटी है फार्मर के दिमाग में वो फटाफट खत्म हो जाए और वो लगातार अपने काम पे लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक और गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पीएम किसान स्कीम है, जहां पर 6000 रुपए का एक पैकेज दिया जाता है साल भर में टू ऑल द फार्मर फैमिली, और इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2000 करके हर 4-4 महीने पर दिया जा रहा होता है। फिलहाल में गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत में 2000 रुपए देने की बात कही गई है फार्मर्स को, और इस तरीके से पूरी की पूरी स्कीम हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ फार्मर एंड द फार्म्स, वी नीड टू इंटीग्रेट सम ऑफ द स्कीम, और यही इंटीग्रेशन हमारे एक और आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जहां पर हमें बात की गई है कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ स्कीम्स है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स है, और हमें इन सारी स्कीम को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और वही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है, जहां पर टाइटल है द टाइम हैज कम टू मर्ज इनकम सपोर्ट स्कीम विद मनरेगा। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। यहां पर बात की गई है जितने भी कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं अलग अलग स्टेट की और सेंटर की, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर बेनिफिशियरी एक ही बंदा बन जाता है जो मल्टीपल स्कीम्स का कह लीजिए अवेल कर रहा होता है। अगर हम लोग बात करें वो कौन कौन सी स्कीम है, मल्टीपल कौन कौन सी स्कीम है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए अभी हम लोगों ने बात किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जहां पर 10,000 रुपीज और 13,000 रुपीज पर एकड़ पैसा दिया जा रहा है। इसी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है रियुगु स्कीम, यहां पर अनाउंसमेंट की गई है कैश ट्रांसफर स्कीम की, जो कि 4000 पर हेक्टेयर पर एकड़ पर सीजन को बढ़ा करके 5 एकड़ कर दिया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट किसी तरीके से स्कीम है जिसका नाम है कालिया स्कीम, कालिया का पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की भी स्कीम है और हमारी झारखंड की भी स्कीम है। तो लगभग हर एक स्टेट में इस तरीके की एक रिमुनरेशन के तौर पे, एक कह लीजिए कैश असिस्टेंस के तौर पे एक स्कीम निकाली गई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान योजना, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कैश बेनिफिट स्कीम हो जा रही होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर में बेनिफिशियरी, एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि देखिए हमारे लैंड ओनर कुछ और होते हैं और उस पर काम करने वाले जो टीनेंट और लेबरर होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। तो आइडियली जो पैसा जाना चाहिए वो जाना तो चाहिए एक रियल टीलर को जो उस पर काम कर रहा है, लेकिन जो पैसा जा रहा होता है वो एक्चुअल में ओनर को जा रहा होता है। अगर हम लोग डेटा के ओरिएंटेशन से बात करें तो इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ टेनेंसी। अभी हमारे पास टेनेंसी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट डेटा कहती है कि 10% टेनेंसी हमारे कंट्री में है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे अगर बात करें तो देखिए 25-30% टेनेंसी हमें मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडिया में चले जाए और वहां पे गोदावरी बेल्ट में केवल चले जाए तो वहां पर मोर देन 50% तक हमें टेनेंसी देखने को मिल जाती है, लेकिन ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऐसा हमें नहीं मिल पाता है। तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू इंटीग्रेट द डेटा, वी हैव टू अपडेट द डेटा, वी नीड टू मॉनिटर द टेनेंट्स। तो अब किया क्या जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। यहां पर देखिए कई सारी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे पहला तो यही डिस्कस किया गया है द बेस्ट वे इज टू चेंज द टेनेंसी लॉ एंड ओपन अप लैंड लीज मार्केट। सबसे पहले तो टेनेंसी लॉ को ही ओपन कर दीजिए, उसको अपडेट करिए, और वहां पर जो लैंड लीजिंग है उसको ओपन करना पड़ेगा। इसमें इंश्योर ये करना पड़ेगा द ओनर ऑफ द लैंड हैज फुल राइट टू टेक हिज लैंड बैक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। जैसे लोग लीज पे लेकर के फिर उसके बाद से उस जमीन को हथिया लेते हैं और इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का केस हो जाता है, उसे वापस से अपडेट करने की, सही करने की, अमेंड करने की जरूरत है। इन द एब्सेंस ऑफ सच लीगल चेंज इन लैंड लीज लॉज द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू फुल्ली इन्फॉर्म द टिलर दैट द ओनर हैज गॉट इनकम सपोर्ट एंड देन अपील द ओनर टू पास ऑन दिस बेनिफिट टू द टिलर। जो भी टिलर काम कर रहे हैं किसी के खेत में, उस खेत जो भी काम कर रहा है उसको ये पता चल जाए, उसको ये बताना पड़ेगा हमें कि ओनर को देखो इतना पैसा बेनिफिट दिया गया है, जाओ तुम उनसे मांगो। और ओनर को भी लगातार ये बात बतानी पड़ेगी, उनको ये लगातार अवेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साइड से कि देखिए ये जो पैसा है वो टिलर को देना पड़ेगा। तो डबल साइडेड एक प्रेशर रहेगा, डबल साइडेड यहां पर एक मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि जो रियल
बेनिफिशियरी है वो आइडेंटिफाई हो पाए और एक्चुअल में बेनिफिट उसी को दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी तरीका अपनाया गया है। इसके अलावा देखिए एक और तरीका अपनाया गया है कि द इश्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंडलेस लेबरर वर्किंग ऑन फार्म्स, इस पर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो तो सीजनल होते हैं, काम करते हैं, काम करके अपना निकल लेते हैं, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और यही आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफाइड लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम निकाली हुई है जिसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के दौरान में भी 2000 रुपए का बेनिफिट दिया गया है। तो हमें बेसिकली क्या है, इन सारी स्कीम की बजाय हमें करना क्या होगा कि अलग अलग स्कीम में या अलग अलग कैश ट्रांसफर देने की बजाय हमें क्या करना होगा, एक स्कीम इसमें एक सजेशन दिया गया है वे फॉरवर्ड के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि यहां पर हमें इन सारी कैश स्कीम को हटा करके मनरेगा को भी खेतों में इंक्लूड करने की बात करनी होगी। मनरेगा को खेतों में इंक्लूड करने का मतलब ये हो गया, चूंकि यहां पर अनस्किल वर्क की जरूरत होती है और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे खेती करना जान रहे होते हैं, तो मनरेगा को हम लोग खेतों में फॉर द क्रॉप यील्ड हम लोग या फिर फार्मिंग प्रैक्टिस के रूप में भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्कीम दिया गया है हमारे राइटर के द्वारा, और कहने का मतलब ये है कि ये जो कैश ट्रांसफर है, कैश बेनिफिट स्कीम है, इसको देने की बजाय, चुनावी मुद्दा बनाने की बजाय, फ्रीबीज देने की बजाय, काम के बदले दाम की फिर से भावना हमें लेके आनी पड़ेगी। और इसलिए खेतों को भी मनरेगा स्कीम के तहत जो खेती है, जो फार्मिंग है, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अ सस्टेनेबल स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। इसके अलावा अगर दूसरी एक स्कीम के बारे में बात करें, एक और आर्टिकल आया हुआ है पोस्ट कोविड ग्लोबल अलाइनमेंट। इसमें क्या चीज है पोस्ट कोविड ग्लोबल अलाइनमेंट में, देखिए यहां पर बात की गई है हमारे यशवंत सिन्हा के द्वारा, यह आर्टिकल लिखा गया है और इसमें यह कहा गया है कि देखिए आज की डेट में जो भी वर्ल्ड है वो बहुत ही इधर उधर हो रखी है, क्योंकि हर एक कंट्री में कोविड फैला हुआ है, हर एक कंट्री अपनी ही बात देख रही है, कोई भी इस समय टेररिज्म को नहीं देख रहा है, कोई भी इस समय जो यमन में क्राइसिस फैली हुई है या अफ्रीकन कंट्रीज में जो क्राइसिस फैली हुई है उसको नहीं देख रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हो गई हैं जो अब कोविड के बाद ग्लोबल अलाइनमेंट कैसा होने वाला है इस पे काफी कुछ इंपैक्ट करेगा। तो कंटेक्स्ट यही है कि व्हाट इंटरनेशनल वर्ल्ड नीड टू डू फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ कोविड आफ्टर कोविड-19, कोविड-19 के बाद में क्या वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये काफी ज्यादा हमें देखने की जरूरत है। क्वेश्चन ये उठता है कि इशू क्या है, यहां पर इशू ये है WHO के बारे में आप लोगों ने देखा ही होगा कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था WHO, और इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था कि अब उसमें US ने फंडिंग करना ही बंद कर दिया है। तो WHO has not covered itself with glory, the WHO's understanding of the situation and the manner in which it dealt with it, जो कोविड की कंडीशन हुई है वो कई सारे क्वेश्चन रेज कर दे रही है। Nobody in the international community seems concerned about the tragedy unfolding in the country, जो कि सूडान और यमन की कंट्री में चल रही है, उसमें इस समय कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो कंट्री हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इस समय सब लोग अपने खुद से ही परेशान है, सब लोग अपने ही यहाँ की कंडीशन से परेशान है। जब अगर देखें कि खुद की कंडीशन क्या है, तो कोरोना वायरस अगर आप स्प्रेडिंग देखेंगे तो कोरोना वायरस की जो स्प्रेडिंग है बहुत ही डेंजरसली फैली हुई है, नियर अबाउट 185 कंट्री में ये फैली हुई है। यहां पर लगभग 52 लाख पर्सन इन्फेक्टेड है और लगभग 3.25 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये कंसर्निंग देता है, बहुत बड़ी ये चीज है। अब राइटर हमारे कहते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अब बेसिकली यहां पर राइटर कोशिश कर रहे हैं आज की कंडीशन को फ्यूचर की कंडीशन के साथ लिंक करने की, और जो ये लिंकिंग बैरियर इन्होंने अपनाया है उसका नाम इन्होंने दिया है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। राइटर कहते हैं कि देखिए जो बेसिकली डेमोक्रेसी होती है उसमें किसी से भी क्वेश्चन पूछने की एक आजादी होती है, ट्रांसपेरेंसी की आजादी होती है, अकाउंटेबिलिटी की आजादी होती है। The political system, especially in democracy, should ideally debate the role of the government in serving the need of the citizen even in these trying times. तो इस समय की कंडीशन में भी हमें क्वेश्चन पूछने की एक आजादी होनी चाहिए। Asking question and holding the government accountable are the stuff that is democracy is made up of. इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछना काफी जरूरी होता है, जैसे हमारी WHO हो गई, उससे क्वेश्चन करना बिल्कुल जायज है, उससे क्वेश्चन करना बिल्कुल आम है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और उसकी स्थापना भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के नाम पर ही हुई थी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या किया जा सकता है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड अलाइनमेंट को हम सही कर सकें। इसके लिए कहा गया है कि देखिए इंटरनेशनलाइजेशन हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल स्टेज पे, जहां पर नेशन और लीडर्स ये दोनों के दोनों दे शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट विलफुल्ली और इल ट्रीट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये हमेशा आरोप लगता रहता है कि वो किसी कंट्री विशेष के लिए, कंट्री स्पेसिफिक के लिए बायस्ड हो रही होती है। जैसे अभी WHO के ऊपर ही लगातार ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये चाइना फेवर्ड हो गया है, चाइना के फेवर में सारी चीजें कह रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर वहां पे स्प्रेड हुआ था तो WHO को पहले वार्न कर देना चाहिए था और इनफैक्ट बाकी के कंट्रीज को भी वार्न कर देना चाहिए था, लेकिन WHO ने ऐसा नहीं किया। इसी तरीके से सारी कंट्रीज के ऊपर में इस तरीके का एक लगातार कंट्रोवर्सी जनरेट होती रहती है, एक बायसनेस दिखाई जा रही होती है। तो हमें बेसिकली अब सेंट्रल एज में, सेंट्रल स्टेज में रह करके काम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को अब रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पुराने हैं। ये सारे के सारे जो बनाए गए थे मैक्सिमम वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे और ये वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगेन प्रॉब्लम तो है ही। तो प्रायोरिटीज मस्ट बी हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, टर्म्स ऑफ ट्रेड, डिसआर्ममेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मल्टीपोलैरिटी विच मस्ट इंक्लूड रिफॉर्म ऑफ द UN सिस्टम। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अब हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो हमें साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं कि बायोफ्यूल के नाम पे, इनफैक्ट बायोफ्यूल तो नहीं लेकिन बायो वेपन के नाम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हमें सामने देखने को मिल रही है। इसमें न्यूक्लियर डिजास्टर भी आ सकती है, तो बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है इन द फ्यूचर अगर हम लोग एक पीसफुल तरीके से और सही वेपन्स के साथ अगर नहीं चलते हैं तो। इसके अलावा सेंट्रल बैंक को भी हमें ऑटोनॉमी देने की जरूरत पड़ेगी, दे विल बी द मेजर रेस्क्यूइंग फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जब भी कंडीशन खराब होती है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें सेंट्रल बैंक ही, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज होती है, दे आर स्पेसिफिक टू दैट सब्जेक्ट, और इस वजह से हमें उनकी मदद देनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर इंडिया के बारे में बात करें तो बिफोर दिस कोविड इंडिया वॉज फेसिंग द एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही एकमात्र हमारी सहारा बन सकती थी, और इसीलिए कहा गया है कि जो भी वर्ल्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, वो सारी एक साथ एक जगह पे आ करके वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारे, क्योंकि इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस फैली हुई है। इसके अलावा राइटर हमारे कहते हैं कि देखिए अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हमें रीजनलिज्म को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, जो भी हमारे नेबरहुड हैं उनको हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। द नियर डिफंक्ट रीजनल एसोसिएशन जैसे SAARC हो गई, या फिर रीजनल एसोसिएशन जैसे SAARC हो गई, या SAFTA हो गया, बांग्लादेश के साथ BBIN यूनिवर्सिटी हो गया, इनको हमें साथ में लेकर के और इनको और डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें आसपास के अपने नेबरहुड को ही शांत करना पड़ेगा, इन्हीं को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पूरी आर्टिकल जहां पर इंटरनेशनल अलाइनमेंट के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा देखिए एक और आर्टिकल है जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे, यहां पर देखिए थोड़ा सा APMC एक्ट वगैरह के बारे में बात करनी है, तो हम लोग उसको सेपरेटली अलग से एक आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे और इसको मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑब्वियसली राइट अस ऑन recognitionias@gmail.com और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम बटन विच इज बीइंग गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट रेस कर सकते हैं और वहां पर हम लोग आपके डाउट को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।